जहाँ दोस्तों 3 मैचों की T20 सीरीज खत्म होने के बाद हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो चुका है, जहां आज पहले वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों को मार मार कर शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम की जीत इस पहले वनडे मुकाबले में इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने भी हमारी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। तो दोस्तों आखिर कैसे भारतीय टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में बड़ी ही मुश्किल से जीत मिला, बताएंगे आपको भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए इस पहले वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो, तो बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। जय दोस्तों आज हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जो बेहद ही खतरनाक और रोमांचक मुकाबला खेला गया। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुआ। तब दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही दोस्तों जब टॉस जीतकर हमारी भारतीय टीम अफगानिस्तान की टीम के सामने जब एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के इरादे से जब मैदान पर खेलने उतरी, तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए। तो वही दोस्तों अफगानिस्तान टीम की तरफ से पहला ओवर फजल हक फारूकी गेंदबाजी करने आए। तब दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर में फजल हक फारूकी के तीसरी और पांचवी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने पहले ही ओवर में 8 रन बना लिए। तो वही दोस्तों जब दूसरा ओवर फरीद अहमद गेंदबाजी करने आए, तब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया और साथ ही एक रन भी ले लिया और दोस्तों दो ओवर के खेल में हमारी भारतीय टीम का स्कोर 13 रन बन गया। दोस्तों इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। खासतौर पर कप्तान रोहित शर्मा आज बेहद ही ज्यादा अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। आप रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने अफगानिस्तानी गेंदबाज नूर अहमद के 3 गेंदों में लगातार 3 छक्के जड़ दिए थे। जय दोस्तों आपको बता दें कि 6वां ओवर जब नूर अहमद गेंदबाजी करने आए थे, तो रोहित शर्मा ने पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया, जबकि दूसरा छक्का लॉग ऑन के ऊपर से जड़ दिया, तो वहीं तीसरा छक्का भी मिड विकेट के ऊपर से जड़कर नूर अहमद की पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दिया। और दोस्तों इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अफगानिस्तान की टीम में अपने खतरनाक बल्लेबाजी का दहशत ही मचा दिया। हालांकि दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने भी वापसी करी और नवीन उलहक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल को कैच आउट करा दिया और हमारी भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 23 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे। तब दोस्तों विराट कोहली ने भी मैदान पर आते साथ ही 2 चौका जड़कर अपना खाता खोला। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी जारी थी और वनडे नहीं बल्कि T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों इसके बाद देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने सिर्फ 58 गेंदों में शतक जड़कर पूरे मैदान को ही जोश से भर दिया और भारतीय दर्शकों को खुशी से झूमने का मौका दे दिया। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा शतक जड़ने के बाद अपने खाते में सिर्फ 10 रन और जोड़ पाए कि फजल हक फारूकी की गेंद पर बोल्ड हो गए और दोस्तों हमारी भारतीय टीम को कप्तान रोहित शर्मा के रूप में बेहद ही बड़ा झटका लग गया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 110 रन बनाकर आउट हुए। तो वही दोस्तों रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिवम दुबे 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ विराट कोहली भी बेहद ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और जल्द ही कोहली ने सिर्फ 33 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। दोस्तों अर्धशतक जड़ने के बाद विराट कोहली और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लग गए थे। आप विराट कोहली की खतरनाक और शानदार बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोहली ने फरीद अहमद के ओवर से 18 रन बटोर लिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोहली ने फरीद अहमद की पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया, जबकि दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव करके चौका जड़ दिया, तो वहीं तीसरी और चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर 18 रन बटोर लिए। और दोस्तों इसके बाद जल्द ही विराट कोहली ने भी सिर्फ 60 गेंदों में शतक जड़कर अफगानिस्तान की टीम में खलबली ही मचा कर रख दिया। और दोस्तों इसके बाद भी विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। लेकिन दोस्तों जब विराट कोहली 130 रन बनाकर खेल रहे थे, तब नूर अहमद ने विराट कोहली को LBW आउट करके भारतीय टीम को बेहद ही बड़ा झटका दिया। दोस्तों विराट कोहली का आउट होना हमारी भारतीय टीम के लिए बेहद ही बड़ा झटका था। लेकिन दोस्तों इसके बाद शिवम दुबे के 44 रन, संजू सैमसन के 20 रन, रिंकू सिंह के 36 रनों की बदौलत हमारी भारतीय टीम ने 8 विकेट खोकर 50 ओवर के खेल में अफगानिस्तान टीम के सामने 348 रन का एक शानदार लक्ष्य अफगानिस्तान टीम के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। अब दोस्तों अगर अफगानिस्तान टीम को यह मुकाबला जीतना था तो 349 रन बनाना था। वही दोस्तों जब इस लक्ष्य अफगानिस्तान की टीम पीछा करने आए तो इब्राहिम जादरान के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने आए। तब दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज T20 वाले अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर तक बिना कोई विकेट गंवाए 85 रन बना दिए। कप्तान रोहित शर्मा को काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि दोस्तों कोई भी भारतीय गेंदबाज इन दोनों की जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था। तब दोस्तों 11वें ओवर में कुलदीप यादव को कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद थमाई और दोस्तों कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए रहमतुल्लाह गुरबाज को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाया।
आपको बता दें कि रहमानुल्लाह गुरबाज 48 रन बनाकर आउट हुए और अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन चूक गए। दोस्तों अफगानिस्तान का पहला विकेट लेने के बाद भारतीय टीम को दूसरे विकेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओपनर बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाया। आपको बता दें कि इब्राहिम जादरान 43 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद भी अफगानिस्तान की शानदार बल्लेबाजी जारी थी। आपको बता दें कि इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब ने जहां 80 रनों की पारी खेल डाली तो वहीं मोहम्मद नबी ने 40 रन और अजमतुल्लाह उमरजाई ने 70 रनों की पारी खेल डाली। दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला तो उस समय रोमांचक बन गया था जब अफगानिस्तान को अंतिम के 6 गेंदों में जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। तब दोस्तों अंतिम के ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान को सिर्फ 10 रन बनाने दिए और अफगानिस्तान की टीम हमारी भारतीय टीम से सिर्फ 11 रनों से यह मुकाबला हार गई। दोस्तों इसके लिए अफगानिस्तान टीम की भी तारीफ करनी चाहिए जिन्होंने हमारी मजबूत भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और सिर्फ 11 रनों से मुकाबला हारी। तो दोस्तों अगर आप भी पहले वनडे मुकाबले में हमारी भारतीय टीम के शानदार जीत से खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद। वही दोस्तों आपकी एक और खबर बता दें, शिवम दुबे की जीवनी, उम्र, पत्नी, रिकॉर्ड, नेटवर्थ, फैमिली और कुछ रोचक तथ्य। जय दोस्तों, शिवम दुबे एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। वह एक ऑलराउंडर हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। शिवम दुबे को उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। शिवम दुबे का जन्म 26 जून 1993 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राजेश दुबे है जो जींस का बिजनेस करते थे और महाराष्ट्र के भिंडवी में एक कारखाना चलाते थे। शिवम की माँ का नाम माधुरी दुबे है जो एक गृहिणी है। उनकी एक बहन है जिनका नाम पूजा दुबे है। दुबे का परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश के भदोही में से है लेकिन कई सालों उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। वहीं 16 जुलाई 2021 को शिवम दुबे ने अपनी गर्लफ्रेंड अंजुम खान से शादी की। फरवरी 2022 में कपल को एक बेटा हुआ जिसका नाम अयान है। शिवम दुबे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल मुंबई से पूरी की। इसके बाद उन्होंने रिजवी कॉलेज मुंबई से स्नातक डिग्री हासिल की। उन्होंने चंद्रकांत पंडित क्रिकेट एकेडमी अंधेरी वेस्ट मुंबई में कोच सतीश सामंत के मार्गदर्शन में प्रोफेशनल क्रिकेट सीखा। शिवम दुबे को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। हालांकि उन्होंने 13 से 17 साल की उम्र में पूरी तरह से क्रिकेट छोड़ दिया था। दरअसल महज 4 साल की उम्र में घर के नौकर ने शिवम की क्रिकेट क्षमता को पहचाना था और जब उनके पिता ने उनका खेल देखा तो मान लिया था कि उनका बेटा सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तब उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने की ठान ली और उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर में ही एक टर्फ पिच तैयार की थी जिस पर बाप बेटे घंटों अभ्यास करते थे। उन्होंने बेटे के लिए खास डाइट तैयार की, ग्राउंड में उसे दौड़ाना सिखाया और रोज रात में मालिश भी करते। वह शिवम को रोजाना 500 गेंद फेंकते और यह सिलसिला करीब 10 साल तक चला। फिर 14 साल की उम्र में शिवम ने मुंबई में चंद्रकांत पंडित से कोचिंग लेना शुरू कर दिया लेकिन साल 2008 में उनके परिवार में एक बहुत बड़ा दौर आया। बेटे को क्रिकेटर बनाने में पिता का जींस का कारोबार बिक गया जिससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और शिवम को क्रिकेट छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय प्रैक्टिस छूटने से शिवम दुबे का वजन 100 किलो हो गया था। फिर किसी तरह 17 साल की उम्र में शिवम ने वापसी की जब उनके पिता उसके साथ लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने फिटनेस पर काम करना शुरू कर दिया। वह लगातार मेहनत करते गए और अपने खेल में सुधार किया। कई टूर्नामेंट में असफल रहने के बाद शिवम ने मित्सुई सोजी T20 लीग और MPL में कर्नाटक स्पोर्टिंग क्लब घाटकोपर जेट्स और ठाणे मराठों के साथ क्लब क्रिकेट में दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया जिस पर मुंबई के चयनकर्ताओं की निगाहें पड़ी और 19 साल की उम्र में शिवम दुबे ने 18 जनवरी 2016 को 2015-16 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के लिए अपना T20 डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 25 फरवरी 2017 को 2016-17 विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए लिस्ट ए क्रिकेट की शुरुआत की। फिर दुबे ने 7 दिसंबर 2017 को 2017-18 रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया और पहली पारी में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला 5 विकेट लिया। 2 नवंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ मुंबई के मैच में उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया। अपने अगले मैच में कर्नाटक के खिलाफ उन्होंने 54 रन देकर 4 विकेट लेकर एक और 5 विकेट लेने का कारनामा किया। दुबे तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 17 दिसंबर 2018 को बड़ौदा के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में बाएं हाथ की स्पिनर स्वप्निल सिंह की एक ओवर में 5 छक्के लगाए थे। मार्च में मुंबई T20 लीग में प्रवीण तांबे